वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडमिशन एंड जॉब्स अलर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कैद आजम यूनिवर्सिटी के बारे में दो तीन बातें क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसका एडमिशन स्टार्ट है, तो इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है और क्या मेरिट क्राइटेरिया होगा वो हम बात करें। बेसिकली हम आज तीन चीज़ों को डिस्कस करने जाएंगे। नंबर वन, मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, उसके अलावा फार्मूला क्या होगा, कौन से फार्मूले के तहत हमारा एडमिशन होगा, और उसके बाद लास्ट इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, मेरिट क्राइटेरिया। तो इसका मेरिट जो क्राइटेरिया है वो टोटली मैट्रिक बेस पे है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई एफएससी बेस पे नहीं है मेरिट। कोविड की वजह से इन्होंने कैद आजम यूनिवर्सिटी ने भी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह मैट्रिक बेस पे कर दिया है। ठीक है, तो इसमें अब एफएससी का कोई रोल नहीं है, टोटली मेरिट क्राइटेरिया जो भी है मैट्रिक बेस पे है। ठीक है, इसके अलावा बात तो नहीं करना चाहता, ऑफ टॉपिक है, लेकिन आईयूबी की जो उन्होंने पहले पॉलिसी लॉन्च करवाई थी कि वो थी पहले मैट्रिक बेस पे कर दिया था, लेकिन उसके बाद एफएससी बेस पे उन्होंने बड़ी चलाकी से चेंज कर दिया नोटिस थे कि एक दिन टेस्ट से पहले। ठीक है, लेकिन जो कह दिया सब यूनिवर्सिटी है इन्होंने और टोटली कर दिया है, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखी कि टोटली उन्होंने कहा है कि इसका जो मेरिट क्राइटेरिया होगा वो हम मैट्रिक बेस पे करेंगे। क्लियर। नंबर टू, अब आती है फार्मूले की बात। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, उन्होंने साथ ये भी बताया था कि 80% जो आपका होगा वो मैट्रिक काउंट होगा, प्लस 20% जो है वो आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट और आई थिंक सब ने अटैम्प्ट ही कर लिया होगा। ठीक है, उसके हवाले से टेस्ट के रिजल्ट के हवाले से मैंने आप वीडियो अपलोड कर रही है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा और लिस्ट वगैरह कब लगेगी, वो भी आप नीचे आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, दैट से ये क्लियर होगी। उसके बाद आते हैं नंबर, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ इधर शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से कुछ क्लियर नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी कोई भी क्वेश्चन हो। तो इसके अलावा मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप इंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।